बिसमीम हज़रत महतरम मैं आप को अब रबी अला का महीना है चंद अहादी सुना रहा हूँ तोज्जो के साथ आपने सुनी भी है मुराकबा भी करना है और फिर ये ख्याल भी करना है कि हम उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पंद्रवा पारा तीसरा रकू है रब आलमीन ये फरमा रहे हैं व बिल वैन एहसाना माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करो अगर वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए या एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो रब आलमीन फरमाते हैं उफ ओए का कलमा भी कभी उनको न कहना वला तन हर माँ ख़्याल रखना कहीं कोई सख्ती की बात भी तुम्हारी जबान से ना निकले और माँ बाप के सामने आपने इंतहाई पस्ती के साथ उसके सामने झुक जाना है तो मैं आपको अदी सुना रहा हूँ आज ये रिवायत जनाब सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने इस तरह इर्शाद फरमाया सब बड़ा बड़ा गुना अल्लाह अकबर सबसे बड़ा गुना यह है कि आदमी अपनी माँ बाप पर लानत भेजे सहाबा ने आज किया यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपने माँ बाप पर भी लानत भेज सकता है हज़र सल्ला व वम ने फरमाया इस तरह कि जब कोई किसी के माँ बाप को बुरा भला कहे तो वो जवाब में इसके माँ बाप दोनों को बुरा भला कहे तो ये भी जरिया बन गया है अपने माँ बाप को बुरा भला कहने का इसमें सबक दे दिया गया कि किसी के माँ बाप को बुरा भला कहना गाली देना ये इस तरह है कि जवाब में वो फिर हमारे माँ बाप को गाली देगा या अल्लाह इन तमाम बुरी आदतों से हमारी हिफाजत फरमा आमीन या रब्बल आलमीन